लोकतंत्र का चीरहरण करके मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के सच से इतना घबराए गए हैं कि कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी अस्पताल में वर्चुअल आदेशों से प्रेस की स्वतंत्रता की हत्या सिंधिया और सिलावट के इशारों पर कर रहे हैं। कांग्रेस की खबरें प्रिंट मीडिया ने छापे, इसके लिए स्थानीय अखबार वालों को पुलिस से दबाव डालकर डराया धमकाया जा रहा है। फर्जी केस दर्ज करके प्रताड़ित करने का कार्य जनसंपर्क विभाग के कहने पर पुलिस द्वारा किया जा रहा है। जनसंपर्क कार्यालय में डिप्टी का डायरेक्टर डॉक्टर आर पटेल द्वारा एक भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर एक स्थानीय अखबार दैनिक प्रथम प्रहरी टाइम्स के संपादक को फोन कर खुलेआम धमकाया जा रहा है। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। जिसकी शुरुआत इंदौर से हुई है, इंदौर के जनसंपर्क के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर आर पटेल ने एक खबर को लेकर एक समाचार पत्र के संपादक को फ़ोन किया कि अगर आपने शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया, तुलसी सिलावट के खिलाफ अगर खबर छापी तो उस खबर का आपको खंडन छापना पड़ेगा, उस खबर के लिए आपको खेद प्रकट करना पड़ेगा। किसी भी कांग्रेस की खबर आप बड़ी नहीं छापेंगे और अगर छापने के बाद आपने खेद प्रकट नहीं करा, आपने कभी खंडन नहीं किया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इससे राहत आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद उस संपादक के पीछे लसूड़िया थाने की सारी पुलिस कल 3 बजे से लगा दी गई। उसको लगभग लसूड़िया थाने के TI से लेके हवलदार से लेके सारे जितने भी वहाँ के पुलिस वाले हैं उन्होंने उसको कम से कम 100 फ़ोन किए कि आप कहाँ हो, हम आपसे मिलना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान कितने डरे हुए हैं कांग्रेस से, वो कितने भयभीत हैं, जो सिंधिया के कहने पर, सिलावट के कहने पर आज आपके समाचार पत्रों का, पत्रकारों का, अधिकारों का हनन कर रहे हैं, अभिव्यक्ति का हनन कर रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश में अब जनसंपर्क अधिकारी ये बताएगा कि कौन सी खबर छापना है, वो कौन सी खबर नहीं छापना है? किस खबर को लेके विवाद हुआ? ये खबर थी जब तुलसी सिलावट ने ये बोला कि 15 दिन में सिंधिया इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये उनने स्वयं बोला, ये उनने घोषणा की कि वो भूमि पूजन करेंगे। ये खबर पत्रिका में छपी, ये खबर नई दुनिया में छपी, ये खबर इंदौर समाचार में छपी, ये खबर फ्री प्रेस में छपी। तो क्या कल इन सबके संपादकों को शिवराज सिंह चौहान जेल में डाल देंगे? क्या उनके घर पुलिस भेज देंगे? एक ये छोटा समाचार पत्र स्थानीय प्रथम पेरी टाइम्स, उसके संपादक के घर रात में पुलिस भेज दी, 10 पुलिस वाले उसके घर में गाड़ी लेके घुस गए, बोले हमें मिलना है, हमें बात करना है। उसकी सारी रिकॉर्डिंग की क्लिपिंग मैंने जारी करी है। जनसंपर्क का जो अधिकारी है आर पटेल, उसकी क्लिपिंग जारी करी है। वो साफ तौर पे ये बोल रहा है कि राकेश सिंह यादव की खबरें आएँ तो आपको बड़ा करके नहीं छापना है। मेरा जो विषय था वो मैंने आपके सामने रखा, वो सबके हितों से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के अपने हित तो हैं ही, कांग्रेस के साथ जो कुट्रघात हो रहा वो है, वो पत्रकारों के साथ जिस तरीके से ये दबाव बनाया जा रहा है कि ये खबरें छापना, जनसंपर्क अधिकारी के द्वारा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि वो ये बोल रहा है कि भोपाल के बड़े नेताओं ने मुझे बोला है, बड़े अधिकारियों ने मुझे बोला है। किसके कहने पे बोला? क्या जनसंपर्क मंत्री ने बोला या मुख्यमंत्री ने बोला या मंत्री सिलावट ने बोला ये सब करने के लिए? क्यों उसके पीछे पुलिस लगाई? क्या आपने मुकदमा दर्ज करा है? बिना मुकदमा दर्ज करे, बिना नोटिस दिए उसके पीछे पुलिस क्यों भेजी, उसके घर पुलिस क्यों भेजी? तो ये बातें डराने धमकाने की हैं और ये अंडर द टेबल चलती हैं, जो आज हमने उजागर की है और ऐसे ही ऑपरेशन क्यों है उसको हमने उजागर करा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।